मेरे पति रोज रात को सपने में पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते, कहते कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, ऐसा सब कुछ वो कहते रहते। जब मैं जागती तो मैं उनसे पूछती कि आप सपने में क्या बड़बड़ाते रहते, तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते। एक दिन मैंने उन्हें सच्चाई जानने के लिए उनके दूध में नशे की दवाई मिला दी। उसके बाद उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम पायल है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, घर में मैं ही बड़ी हूँ, मेरा एक भाई और एक छोटी बहन है। मुझे मेरे पापा की एक छोटी दुकान चलाते हैं, उससे हमारे घर का खर्च जैसे तैसे चल जाता था। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा था, क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। मेरी भी पढ़ाई बंद हो चुकी थी और दूसरी बात यह भी थी कि मेरे पापा की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी कि घर खर्च चलाने के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल सके, इसलिए मैंने खुद भी पढ़ाई बंद कर दी। 10वीं क्लास के बाद एक दो साल तक ऐसे ही बैठी रही, सिलाई सीख ली मैंने, मेहंदी भी सीख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली। उसके बाद मेरी सगाई की बातें होने लगी, कुछ लोगों ने तो बहुत ही अजीब अजीब से रिश्ते बताए, जैसे कि एक लड़का है उसकी बीवी ख़त्म हो गई है, उसके लिए तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, क्योंकि हम लोग गरीब थे, बस इसलिए सब लोगों की मैं सिर्फ बातें सुनती रहती और कहती मैं तो यही मानती हूँ कि जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वह मुझे किसी भी कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, किसी भी रिश्तेदार के कहने से या कुछ करने से कुछ नहीं होता। एक दिन एक रिश्ता आया, लड़का बाहर काम करता था, उसकी फैमिली भी बाहरी लड़के के साथ ही रहती थी। मेरी उससे सगाई हो गई, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था। सगाई के 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे मायके में मेरा छोटा भाई था, इसलिए भाभी नहीं आई थी और मेरी माँ इतनी समझदार नहीं थी कि मुझे कुछ समझा कर भेजती ससुराल में सबसे पहले चूल्हे का पूजन होने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। बहुत ही सारे काम मुझे नहीं करने आते थे। मेरी सासू माँ मुझे बात बात पर कुछ ज़्यादा ही सुनाती, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता, छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा सुनाती। अगर मेरे पति मेरे साथ खाना खाने के लिए इंतज़ार करते तो मेरे पति को भी 4 लोगों के सामने बातें सुना देती, वह तो अपनी बीवी के साथ खाना खाएगा, क्योंकि मेरे सास ससुर पहले ही खाना खा लेते थे, मैं तो लास्ट में खाना खाती थी। और अब मेरे पति ने भी मेरा इंतज़ार करना छोड़ दिया था, वो पहले ही खाना खा लेते, मैं भी उनसे कुछ ना कहती, क्योंकि उनकी मम्मी का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़क था। मैं तो सोचती थी कि शादी के बाद मुझे अच्छी सास मिलेगी, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ, घर की पहली बहू थी, फिर भी मुझे पहले जैसा कुछ भी फील नहीं होता था। मेरे ससुराल में एक नंद थी,
जो हमसे बड़ी थी, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, और एक देवर था जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। चलो, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई लड़की अपना घर, माँ बाप सब कुछ छोड़कर नए घर में आती है, तो सबसे पहला फर्ज किसका होता है? उस लड़की का होता है या फिर उसके सास ससुर नंद का होता है? उस लड़की को उसके भाई बहन माँ बाप की कमी महसूस ना हो। तुम्हारे घर से कोई इंसान जा नहीं रहा है, बल्कि तुम्हारे घर आ रहा है। सास को अपनी लड़की की दुख तकलीफें दिखाई देती हैं, पर बहू की तकलीफ नहीं दिखती। कुछ दिनों बाद मेरे देवर की शादी भी हो गई। मेरे देवर की शादी होते ही मेरी सासू माँ का रवैया एकदम बदल गया। मेरे पति को मेरे साथ खाना खाने में उनको बहुत परेशानी होती थी, और आज वह खुद ही देवर खाना परोस कर देती और कहती कि तुम दोनों लोग खा लेना, जबकि हम लोग सास के साथ बैठकर खाना खाते और मेरे देवर देवरानी अंदर कमरे में बैठ के खाना खाते। मेरे देवर की शादी को लगभग मेरी शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। मेरा कोई बच्चा नहीं था। कभी भी मेरी सासू माँ ने हमारी कोई दवा नहीं करवाई। दवा की तो छोड़ो, एक रस्म होती है हमारे यहाँ, चाचा की बहू को लड़का हुआ था, उसकी रस्म चल रही थी। कहते हैं कि उसकी रस्म में अगर कोई दूसरी औरत भाग ले ले तो उसकी गोद भी भर जाती है। तो मेरी सास ने उस रस्म में मुझे ना बैठा कर मेरे देवरानी को बिठाया, जिसके आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। उसकी टेंशन होने लगी कि उसको बच्चा नहीं हुआ है, जबकि मुझे 6 साल हो गए थे। मेरी याद तक नहीं आई। मैं कोने में बैठी बैठी रोती रहती थी और अपने पति से कोई मेरे पति की तो कोई पूछ ही नहीं थी। जब मेरे सासू माँ को पैसों की ज़रूरत होती तो वह मेरे पति को मक्कल लगाने जैसी बातें करती, और अपना बेटा होने का, अपना भाई होने का सारा फर्ज निभाए मेरे पति ने। मैं मेरे पति से कहती कि देखो, मेरे सासू मेरे साथ कितना भेदभाव करती है, तो मेरे पति मुझे डांट फटकार कर चुप करवा देते। और क्योंकि माँ कितनी भी बुरी हो या फिर कैसी भी हो, पर बेटा कुछ नहीं कह सकता। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर रहते हैं, वो दवा नहीं करवा पाते, इसलिए हम लोग गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग गाँव में शिफ्ट होने गए, तो मैंने मेरी सासू माँ से कहा कि हम गाँव में शिफ्ट होने वाले हैं, हमें रहने के लिए जगह दे दो या फिर हमारा हिस्सा बताओ कहाँ है। पर मेरी सासू माँ कहने लगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो नया घर बना था उसमें देवर देवरानी रहते थे, ऊपर बनवाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे बोलने लगे, तुम बनवाओ, मैं थोड़ा बहुत पैसा दे दूंगी। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता था कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रख लिया है, जबकि घर में बहुत ज़्यादा पैसा हमने दिया है। देवर ने तो 1 रुपये भी नहीं दिया, फिर भी घर में रहने के लिए आज उनके लिए जगह है, पर हमारे लिए जगह नहीं है। आज मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, अभी भी मेरे रहने के लिए जगह नहीं है, हम किराए से रह रहे हैं 10 साल से। मेरे पति कभी कभी सोते सोते कुछ बड़बड़ाने लगते, कहते कि मुझे लगता है कहीं मेरे पति का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। वो सोते सोते कहते कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने सोचा शायद मेरे पति का किसी के चक्कर में पड़ गए हैं, इसलिए वह सपने में इस तरीके से बड़बड़ाते रहते हैं। जब वह जगते तो मैं उनसे पूछती कि ऐसा क्यों बड़बड़ाते रहते हो, तो मेरे पति मुझ साफ साफ मुकर जाते और कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, तू सपना देखती होगी। सच्चाई जानने के लिए मैंने भी एक दिन पति के दूध में नशे की दवाई मिलाकर पिला दी। और कहते हैं ना
कि नशे में सारा सच उगल देता है, तो बस इसीलिए मैंने उनको नशे वाला दूध दिया। फिर उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, कोई लड़की का चक्कर है क्या जो तुम रात को बड़बड़ाते रहते हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, साफ साफ बताओ क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी खुद की माँ ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, और यह अभी से नहीं है बल्कि बहुत पहले से चल रहा था। छोटे भाई की सारी फरमाइशें पूरी की है, पूरी माँ बाप करते हैं, और मेरे सपने का क्या, मैं तो खुद की कमाई करके अपनी फरमाइश पूरी की है। अपने लिए फ़ोन लिया, कपड़े लिए, मैंने खुद के कमाई से। मेरे छोटे भाई की बात आती तो उसकी सारी फरमाइशें मम्मी पापा पूरी करते। मेरे पति के मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा भी आया और मेरे आंखों से आंसू भी बहने लगे, और उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वो छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पति के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनसे कहा कि चाहे दुनिया में कोई आपसे प्यार करे ना करे, पर मैं हूँ ना, मैं आपको सबके हिस्से का प्यार खुद ही दे दूँगी। उस दिन के बाद मैंने मेरे पति से लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि उनसे क्या शिकायत करती कि तुम्हारी माँ मेरे साथ भेदभाव करती है, क्योंकि वह तो पहले से इस चीज़ का शिकार हुए बैठे थे। उनके साथ तो कब से यह सब चल रहा होगा और वह यह सब झेल रहे हैं। मैंने उनसे कहा, जो हमारे साथ दुख में साथ नहीं दे सकता तो फिर हमें उसकी खुशियों से क्या मतलब। उसके बाद हमने अपनी रिश्तेदारी से रिश्ता तोड़ दिया और सबसे दूर जाकर रहने लगे। मैं, मेरे पति एक दूसरे में हम लोग खुश हैं। मेरे अभी भी कोई बच्चा नहीं है, पर हम खुश हैं। हमें कोई ताने देने वाला नहीं है, क्योंकि हमने सभी रिश्तेदारों से नाता ही तोड़ दिया, खासकर सास ससुर से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया। मैं अपने साथ भेदभाव बरता कर सकती हूँ, पर मेरे पति के साथ, तुमने तो खुद की औलाद के साथ ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई सौतेली माँ करती है। एक बच्चे से प्यार तो दूसरे बच्चे को पैदा ही क्यों किया, एक ही करते, सब कुछ उसी को देते। बस अपनी कहानी यहीं तक बताना चाहती हूँ। अगर मैं एक एक बातें बताना शुरू कर दूँगी तो एक महीने में भी मेरी कहानी पूरी नहीं होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यह भी बताना कि ऐसा किस किस के साथ हुआ है। वैसे तो यह सब कुछ चलता ही रहता है। कहते हैं कि बेटा खराब निकलता है पर माँ कभी ख़राब नहीं निकलती, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है।